Good morning. Welcome back with another vlog. Welcome back with another day. एक नए दिन एक नए वीलोग के साथ मैं हूँ आपके साथ सबसे पहले आपने क्या करना है जितने भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन से सब्सक्राइब कीजिए बेल बेलाइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को आपने लाइक और शेयर भी जरूर करना है सेकेंडली आपने घंटी का बटन जो है ना वो लाल वाला जो है वो <laughs> उसे ज़रूर प्रेस करना है उससे ये होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौन से नोटिफिकेशन आएगा और आप मुझे देख सकते हैं मेरे वीलोग को देख सकते हैं और इसी तरह से हम बार बार मिलेंगे हर बार मिलेंगे तो ऐसा ना हो ना कि कहीं मिस हो जाए और आप जो है वो मेरे लोग ना देख सके आप देख रहे हैं कि आज हम सब सफ़र में हैं सारी हमारी कोलिग्स जो हैं फीमेल आर्टिस्ट जो थी वो हमारे साथ थी और हम बहुत सफर को एंजॉय कर रहे थे बहुत ढेर सारा वो आपको देखकर ये अंदाजा हो रहा होगा इन सब के हैंड्स को कि कोई दिल बना रहा है और कोई अपने हाथ आगे ज़बरदस्ती करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे तो ये जो हमारा खाना था हमारे बहुत प्यारे भाई भाई जहीर की तरफ से था उन्होंने अपनी फ़ीमेल स्टाफ जो थी उनके लिए खाना अरेंज किया और भाई ने कहा कि ये पहले आप धूल देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है क्योंकि रास्ते में जो था वो रोड बन रहा है तो बहुत धूल मट्टी थी और अगर हम लोग गाड़ी में नहीं होते तो सोचिए हमारा क्या होता <laughs> तो जो सब रेडी हुए हुए थे सब का जो था वो बिल्कुल कबाड़ा हो जाना था सो so, एनीज़ भाई वैसे आज मौसम बहुत गर्म था आप देख सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और काफ़ी गर्मी थी और आज मुझे फ़ील हुआ कि गर्मी आ चुकी है गर्मी के जैसे पहले अलाइक दिन होता है और ख़ैर एनी वेज आगे पता नहीं क्या बनता है अभी से गर्मी का ये हालत हो तो। अब आप देख रहे हैं ये बहुत प्यारा सा हॉल जहाँ पे हम लोग बैठे हम डिसाइड कर रहे थे कि हम कहाँ बैठे फिर हमने सोचा कि हम विंडो वाली साइड पे बैठेंगे सो so, यहाँ पे पहुँचने के बाद लड़कियों का पहला प्रॉब्लम कि हमें शीशा देखना है हम कैसी लग रही हैं हमारे बाल ख़राब नहीं हुए हमारा मेकअप ख़राब नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे वॉश बेसिन के सामने खड़े थे और कोई सेल्फी लेने में बिज़ी तो कोई बॉल सेट करने में और कोई अपना मेकअप सेट करने में यहाँ पे बिज़ी था तो इस तरह से हम लोगों ने पहला काम ये किया उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ गए और सोचने लग गए कि हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए तो मैंने सबसे पूछा कि किसको क्या खाना है तो अब्रिश ने कहा कि भई कुछ भी ऑर्डर कर दे खा लेंगे क्योंकि उससे बहुत भूख लगी हुई थी हुरैन की फरमाइश थी कि भाई फ़िश तो लाजमी होनी चाहिए और इशाल ने कहा कि अगर आप लोग जो है चिकन पीस नहीं मंगवाएंगे तो मुझे खाना खाने में मज़ा नहीं आएगा मुझे वो चाहिए यहाँ पे मसाला फ्राइड राइस जो थी वो कमल की फरमाइश पे हमने मंगवाए तो इस तरह से मैंने सबकी मर्ज़ी सुनी और फिर जो है वो मैंने सबकी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था अब रिश्तों उँलियाँ दिखाते हुए क्योंकि जी डन हो गया क्योंकि अब रिश्त बहुत खुश हो चुकी थी कि चलो फाइनली हम लोग जो है वो ऑर्डर कर चुके हैं और अब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए सो फिर हमने सोचा कि जब तक हमारा खाना नहीं आता तो क्यों ना हम जो है वो इन्जॉय कर लें हम बाहर जाएँ और बाहर का जो व्यू है वो भी आप लोगों को भी दिखाएं और ख़ुद भी हम लोग इंजॉय करें तो हम लोग जो सामने अभी आप पीछे देख रहे थे एक विंडो जिसके सामने हम बैठे हैं उसके पीछे जो ग्रीनरी थी ये आप देख रहे हैं ना आप यहाँ पे हमने सोचा कि हम जाते हैं ताकि हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से अपने दिन को इंजॉय कर सकें तो उसके बाद यहाँ पे सब बैठ के अभी मशवरा कर रहे थे कि जाएँ ना जाएँ क्योंकि धूप भी आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ थी लेकिन फिर भी हमें बहुत मज़ा आया Two thousand years later. हल्की-हल्की धूप, हल्की बहुत मजे का मौसम है सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश जब हम फ्री होते हैं तो ये देखें। ओहो। This is इसको भी खोल दें। अब्रिश मतलब आपको और कोई काम नहीं। अब्रिश आप ये करेंगे। चावल आप ये करेंगे। आप फ्री really आप ये करेंगे। हाँ तो और क्या करूँ? सुनी होगी एलिस दरवाजा खोलती है एक नई दुनिया में पहुंच जाती दरवाजा ये दरवाजा नहीं खुल रहा जहाँ <laughs> <laughs> हुर्रेश तो हमेशा ही ऐसा करती हूँ जिस जगह पे ये लाइफ हकीकी जिंदगी में वाइंडोलैंड होते नहीं हैं इस वजह से अपनी ओह माय गॉड दरवाजा खुल गया ओके सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं देखें यहाँ पे इतनी ज्यादा तेज हरी धूप पर इतनी खूबसूरत ग्रीनरी लग रही है इतनी ज्यादा खूबसूरत और इस वक्त बटक्राही का जो पीछे वाला ग्राउंड था हम वहाँ पे आ चुके थे जहाँ पे एक तो नेट भी लगी थी जहाँ पे आप वॉलीबॉल भी खेल सकते थे कोई भी गेम लगा सकते थे और इन्जॉय कर सकते थे बहुत खुला डुला और खूबसूरत सा ये जो है वो रेस्टोरेंट प्लस होटल बना हुआ है हमारा आ चुका है हमने फ़िश ऑर्डर की थी इसके साथ ही हमने वाइट कढ़ाई जो है वो ऑर्डर की है और जी यहाँ पे हमने जो था वो चेस्ट पीस ऐड किया है मसाला राइस थे सैलिज और हमारे पास जो है हम लोगों ने गार्लिक नान किए हैं क्योंकि हमें बहुत पसंद है खाना खाने के बाद सबको हमेशा चाय की तलब होती है मैं चाय लवर तो नहीं हूँ लेकिन इनकी चाय बहुत अच्छी थी बड़ी कड़क किस्म की थी शुगर भी बहुत कम था फिर आप बिल देख रहे हैं हमारा तकरीबन चार हज़ार बिल था लेकिन चाय का बिल हमने बाद में एड करवाया था मतलब चार हज़ार से कुछ ज़्यादा हमारा खर्चा था लेकिन ठीक था रिजनेबल इनके प्राइजेज हैं उसके बाद आप कबाड़ा देख सकते हैं कुछ भी नहीं था गंद कितना था तो ये तो फिर होना था, था। <laughs> जी तो बहुत मज़े का खाना खाने के बाद आप फिर से देख रहे हैं सनी डे था ख़ूबसूरत रोड थे धूप भी थी हम तो अपने दिन को इस तरह से यादगार बना के अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुआ थे छोटे छोटे से क्लिप्स एक दफ़ा फिर से ऐड किए हैं आप देख सकते हैं तो इस तरह से आज के दिन को बहुत सारी यादों के साथ हमने तो इकट्ठा कर लिया और एक डायरी में एक मुठ्ठी में बंद कर लिया आप इस तरह से अपने दिन को अच्छा बनाते हैं वो आपने ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं किस तरह के कि आप व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे तो हमारी यादें ये चंद एक जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं क्योंकि ज़्यादा वक्त हम अच्छे से गुजारते हैं अगर सिर्फ वीडियोज़ बनाने के चक्कर में रहेंगे तो हम कुछ भी इन्जॉय नहीं, नहीं कर सकेंगे सपना रखिएगा डेयर सारा ख्याल बाय